हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों को इंग्लिश का बताएंगे कि पेपर आपका 2021 का कैसा आएगा। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा कि कैसा पेपर आएगा, एक एक क्वेश्चन को जरा समझा दीजिए। तो आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। अगर आपको इंग्लिश हार्ड लगती है ना, तो एक एक क्वेश्चन इतना बारीक से समझाएंगे कि आपको एकदम ईजी लगने लगेगा, ठीक है। और आसानी से आप बोर्ड एग्जाम इसका पेपर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शुरू से एंड तक बस देखते रहना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर 17 मई को है। तो पूरा ध्यान से एक एक वीडियो को मैं चैनल पर डाल रहा हूं, तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए, ये मॉडल पेपर 2021 के बच्चों के लिए लॉन्च किया यूपी बोर्ड ने, इंग्लिश क्लास 10th। यहां पर देखिए 3 घंटा 15 मिनट मिला है, ठीक है, समय, जो कि मार्क्स कितना है, 70 मार्क्स का है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या दिया है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। प्रथम के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। यहाँ पर नोट क्या लिखा है कि फर्स्ट नंबर कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन ए एंड बी, करेक्ट। यह प्रश्न पत्र दो सेक्शन में बटा हुआ है, यानी कि दो खंड में, खंड ए और खंड बी में, ठीक है। पूरा हम समझाएंगे, अंत तक देखते रहना। और दूसरा क्या कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द टू सेक्शन आर कंप्लसरी, कह रहा है कि प्रत्येक सेक्शन का सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब सेक्शन ए का सभी प्रश्न करना है और सेक्शन बी का भी सभी प्रश्न करना है। और कह रहा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इंच क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख, मतलब सामने, उनका अंक निर्धारित है कि कितने नंबर के ये प्रश्न है, ठीक है। अब कह रहा है चार नंबर कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यूर स्टार्टिंग आंसर गिविंग देम, ठीक है। कह रहा है कि मतलब कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उत्तर देने से पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, तब जवाब दीजिए उसका, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर जो सेक्शन ए है ये आपका इंग्लिश से होता है, और जो सेक्शन बी यहाँ पर आपको दिख रहा है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये ग्रामर से आता है। तो पूरा अच्छे से समझाएंगे, तो अंत तक बने रहना। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां ज्वाइन हो जाएगा, आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कह रहा है कि नीचे जो ये पैसेज दिया गया है इसको अच्छे से पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद इसमें जो प्रश्न दिया गया है इसको आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पैसेज क्या लिखा है कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एक्सट्री एंड थर्स्ट, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च फॉर ऑफ वाटर। तो इसको पढ़ना है, जैसे ही पढ़ेंगे तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है इसमें, एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या पूछा है इसमें कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, कह रहा है कि जो किस चैप्टर से इस पैसेज को लिया गया है उस चैप्टर का नाम बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, और इस लेसन के लेखक कौन है, इस पाठ के लेखक कौन है, ये बताना होता है पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्या कह रहा है कि व्हाट एप्रीहेंशंस वेयर देयर इन द माइंड ऑफ युधिष्ठिर When his brothers were out in search of water, तो ये जो कह रहा है कि इसमें जो पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर इसी में से खोज कर आपको देना है, ठीक है। तो इसी में जब ये पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसका सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं अभी, हम आपको इसका एक समझा रहे हैं कि आइडिया कि कैसा पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, कह रहे हैं कि दो क्वेश्चन दिया है, इसमें से किसी एक ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है, चार नंबर मिल जाएगा, किसी एक को करना, कितने वर्ड में, 60 शब्दों में आंसर देना कि व्हाट मेक्स वन ए रियल बर्थ लर्निंग आर गुड कंडक्ट, ये दे दीजिए या इसका दे दीजिए कि एक्सप्लेन द एवरिंग मूड्स ऑफ द गंगा इज डिफरेंट सीजन, इसका दीजिए, ये आपके बुक से है तो इसको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, कह रहे हैं कि किसी इनमें से दो का आंसर देना है, जो कि 3 क्वेश्चन है, इसमें से दो का आंसर आपको देना है, वही 25 शब्दों में, जो कि 4 नंबर किए भी हैं, 2-2 नंबर के। वाई डिड लेंसो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई ए बंच ऑफ क्रॉक्स, ठीक है, इसका दीजिए, या हाउ आर वी टेस्ट वेन वी लीव स्कूल एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, तो ये दीजिए या ये दीजिए, किसी दो को हल करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, कह रहा है कि देखिए यहाँ पर लिस्ट बनाया है, इस दोनों लिस्ट में से मैचिंग करना है, ठीक है, ये मैचिंग मिलान है,
तो मैं इसको बताऊंगा, अभी सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फाइव का क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है कि ये जो आपका है क्या है एक्सट्रैक्ट, जो आपका पद्यांश जैसे हिंदी में आता है वैसे ही पद्यांश के रूप में है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे कि और इसके आंसर देंगे। व्हाट इज मेंट बाय लाइफ्स स्लो मैन, इसका आंसर इसी में से देना है, जो पढ़ाया गया है आपका चैप्टर उसी में से। अगला क्वेश्चन, हु विल बी री इनकोर्स्ड अगेन एंड हाउ, इसी का आंसर इसमें से देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन करना होता है। अच्छे नंबर क्या है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम, कह रहा है किसी इन दोनों पोयम में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो अगर ये नहीं आपको याद है तो यहाँ पर अथवा में भी दिया है, आर राइट फोर लाइन ऑफ एनी पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी द लाइन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि अपने अपने पाठ्य पुस्तक से कोई चार लाइन की कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है, ये लिखना है, या सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सात नंबर की, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, कह रहा है कि इसमें से किसी दो प्रश्नों का उत्तर 25 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एडिसन प्रोमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका, हाउ डिड द कीप हिज प्रोमिस, ये पहला क्वेश्चन है इसमें। और यह अथवा में भी यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट प्रॉमिस डिड एडिसन कीप, इसका आंसर दे सकते हैं। या थर्ड नंबर कि व्हाट हैपेंड टू द प्लेस एंड द फॉर्च्यून ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ। तो देखिए इसमें चार क्वेश्चन दिया है, चार में से दो को करना है, ठीक है। तो इस पर आपको कितने नंबर मिलेगा, चार नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, चार नंबर मिलेगा। दो क्वेश्चन करेंगे, दो दो नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन आठ नंबर क्या लिखा है इसमें, कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इन ट्रू एंड विच इज फॉल्स, कह रहे कौन सा कथन सत्य है इस पर सही का निशान लगाना है और कौन सा कथन गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है, ठीक है। तो इस पर देखिए, इसको एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ये सही है गलत है आप, और ये हिटलर बिलीव्ड इन द क्वालिटी ऑफ ऑल द रेस। अब देखिए इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो मैं आपको एक यहाँ पर गाइड बता रहा हूँ कि ऐसा ही पेपर आने वाला है और इसका सलूशन बताएंगे बहुत जल्दी। अगर आप कमेंट करके बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो इसका सलूशन एक दिन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट सिचुएबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको, ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होता है, जो कि चार क्वेश्चन होता है और चार नंबर का होता है। फर्स्ट नंबर लिखा है कि एडिसन टोल्ड हिज टीचर बट टी किड्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, इट वाज, यहाँ पर क्या भरेंगे चारों में से ऑप्शन, यहाँ पर कौन सा सही है ये भरना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द लेबोरियस ड्यूक आउट ए ब्लॉक ऑफ मार्बल स्लेव सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ, यहाँ पर कौन सा भरेंगे ये भरना। ये चार क्वेश्चन है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में होता है और एक एक नंबर का होता है, नौ नंबर में ये आता है क्वेश्चन में। दस नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन बी, यानी कि ग्रामर पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन दस नंबर क्या लिया, डू एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, कह रहा है कि यहाँ पर कि आपको यहाँ पर डायरेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, इसको मतलब सजा कर लिखना है, यहाँ पर डायरेक्टेड मिल रहा है इसको। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यू ए पायलट बीकम फ्लाई कैन एरोप्लेन एंड एन, तो कह रहे कि रीऑर्डर द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, कह रहे इसको सही से सजा कर लिखना है, मतलब इधर का उधर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और वर्ब को इधर उधर मतलब कर दिया है, आपको इसको सही वाक्य मतलब बना देना है इसको सही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ग्रीता डू दिस वर्क चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज कर देना है। और देखिए अगला क्वेश्चन, प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल चेंज वॉइस, इसको वॉइस में एक्टिव टू पैसिव, ये वॉइस में चेंज करना है इसको। अब अगला क्वेश्चन की, सी सेड टू मी आर यू लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अब चेंज इनटू डायरेक्ट नरेशन, इसको चेंज करना इनडायरेक्ट में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, यूज सिट्यूएबल प्रोपोजिशन इन द फील द गैप, कह रहा है कि जो खाली जगह इसमें प्रीपोजिशन तीन दिया है, इसमें से कौन सा सही है प्रीपोजिशन वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि दिस ड्रेस इज मेड कॉटन, यह पोशाक सूती का बना हुआ है, एट ऑफ फार, यहाँ पर तीनों में से कौन सा सही होगा ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तो मैं इसका सोल्यूशन बता नहीं रहा हूँ आपको। अभी देखिए, यूज सिचुएबल क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पर ये भरना है,
कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। यहाँ पर देखिए डिफेटेड है, असटिस्फाइड है, यहाँ पर वर्ड को भरना है जो खाली जगह है, छूट गया है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पंक्चुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे जो सेंटेंस दिया कि ही डिड नॉट वेंट टू गो टू कनाडा देम, तो ये आपको सही करके यहाँ पर भरना है, लिखना है। यानी कि यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यहाँ पर हिंदी में आपको मिल रहा है ट्रांसलेशन, और इसको इंग्लिश में चेंज करके बताना होगा कि ईश्वर महान है, वह सर्वव्यापी है, वह न्यायी है, वह दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, उसने हमारे लिए चांद बनाया। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो इन सारे क्वेश्चन का मैं आपको आंसर के साथ जल्दी से समझाने की कोशिश करूंगा। आगे क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू योर मदर हाउ यू फील एट होटल। कह रहा है कि डू नॉट राइट योर नेम प्लीज प्लेस एंड रोल नंबर। कह रहा है कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए योर मदर, अपनी माँ पर, हाउ यू फील एट होस्टल, यहाँ पर होस्टल है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पत्र लिखना है, और कह रहा है कि इस पत्र में ये मदर अपनी माँ पर योर फील, अपनी अनुभव को होस्टल के रूप में कह रहा है कि अपना इस पत्र में नाम नहीं लिखना है और ना ही रोल नंबर लिखना है। तो इसका मैं बहुत ईजी समझाऊँगा कैसे लिखना है। अगर ये आपको नहीं लिखने आता है तो अथवा में आर में भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट टू लीव फॉर ऑफ 4 डेज एज यू वेंट टू अटेंड योर फादर गेटिंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। डू नॉट राइट योर नेम एंड प्लेस। कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रधानाचार्य को कि हमें मतलब कितने दिन की, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो इस पर आपको एप्लीकेशन लिखना है, और लास्ट में एप्लीकेशन में नाम नहीं लिखना है और स्थान का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसका मैं बहुत ही ईजी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोज हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। और यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं 14 नंबर क्या लिखा है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड्स। कह रहा है कि नीचे दिए गए टॉपिक पर, विषय पर आपको निबंध लिखना है, वो भी कितने शब्दों में, तो 60 शब्दों में। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक दे रखा है ए रेलवे कुली पर भी लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है तो। ये 6 नंबर का पूछता है बोर्ड एग्जाम में। और अगला टॉपिक क्या दिया है आपको कि माई स्कूल, अपने स्कूल पर लिख सकते हैं। अगला है ए रेनी डे, बरसात के दिन पर भी लिख सकते हैं। तो इसका भी मैं बना चुका हूँ ऐसे का निबंध, मतलब कैसे लिखे, ठीक है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जरूर चेक कर लेना। आगे क्वेश्चन 15 नंबर, मतलब इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए पैसेज को अच्छे से पढ़िए, और पैसेज पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर इसी में से आपको देना है। जैसे कि व्हाट इज योर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इसी को पढ़ेंगे और इसी का आंसर इसी में से देना है। जो कि ये पैसेज अनसीन होता है, मतलब ये आपको आता है कि आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इसी पैसेज से आपको क्वेश्चन बनेगा और उसका आंसर इसी में से देना है। तो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विशन यू फ्रॉम द एनिमल्स, तो इसी में से आपको आंसर देना है। तो देखिए अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, और इसको लाइक करके शेयर कर देते हैं, तो एक दिन के बाद इसको प्रोवाइड कर देंगे इसका आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।